वही अगर आप बात करें एडिबल ऑयल सेक्टर की, तो एडिबल ऑयल सेक्टर में तो अभी फिलहाल गिरावट का दौर गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां सरसों में गिरावट है तो वहीं सोयाबीन भी लुढ़का हुआ है, और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हमें सरसों के अंदर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल रही है। अक्टूबर वायदा जहां 2.5% से ज्यादा लुढ़का है, तो वहीं नवंबर वायदा 3% तक लुढ़क चुका है। जबरदस्त गिरावट सोयाबीन के अंदर, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लगातार हम इस शो के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि सोयाबीन में फिलहाल तेजी की संभावनाएं नहीं है, और 5500 के स्तर जो दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। आज बाजार 5500 के नीचे 5480 पर, और अगला नवंबर वायदा 5410 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से अब सोयाबीन 5000 के स्तरों की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से गिरावट गहराई है, अब ये 5000 तक जा सकती है। तो फिलहाल एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी को बिल्कुल अवॉइड करें। जो माल रखा है, जो बाउंस आता है, उस बाउंस पर मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब एडिबल ऑयल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काफी गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक तिहारी सीजन की मांग सरसों को पिकअप दे सकती है, बट बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सरसों जहां तक 8000 के ऊपर सस्टेन है, तो काफी गिरावट की तरफ भी नहीं है। 8000 के ऊपर जब तक रहेगी, तब तक बाजार जो है 8000 से 9000 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 1000 पॉइंट की रेंज काफी लंबी रेंज है, जो कि फिलहाल इसके अंदर बनी रह सकती है। नवंबर वायदा ऊपर में आज इंट्राडे में हो सकता है, अगर तेजी बनी तो आपको 8500 तक खींच कर ले जाए। अदरवाइज नीचे में 8340 के नीचे अगर लुढ़क जाता है एक बार फिर से, जो कि आज हमने सुबह भी देखा 8248 का लो लगा, अगर इसके नीचे मार्केट लुढ़कता है तो 8000 के स्तर आपको सरसों में भी देखने को मिल सकते हैं गिरावट के चलते। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो इसमें भी गिरावट है, बाजार कभी भी 1200-1300 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए। जो भी ऊपरी स्तर मिलते हैं, उन ऊपरी स्तरों के अंदर जो भी माल रखा है, उसको धीरे धीरे लिक्विडेट करने की रणनीति होनी चाहिए।